ये देखिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 7 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हमारे डोगू साहब ना एकदम जल्दी से उठ गए हैं। इनको जब स्कूल होता था तब ये जल्दी उठते नहीं थे, उठाना पड़ता था तब भी नहीं उठते थे, लेकिन आज ऐसा दिन है, स्कूल बंद है यानी स्कूल इनका नहीं है, इसलिए आज पहले ही उठ गए हैं। तो इनको पता होता है कि स्कूल में कब खुला है कब बंद है। तो ये देखिए कैसे कभी उठे हुए हैं। इधर किचन में बन रहा है अभी सूजी, सूजी का हलवा। हलवा बना रहे? गुड मॉर्निंग। आज बाबू को छुट्टी है, सोचे सुबह सुबह क्या उसको दे, रोज तो रोटी सब्जी भुजिया खा के बोर हो जाता है। आज सोच रहे हैं कि कुछ थोड़ा सा अलग सा हेल्दी खाना देते हैं, हलवा खाना भी चाहिए। तो इसे ना ये घी में फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हो गया ना अच्छा से? हाँ हो गया। तो अभी ये हलवे में ना दूध डालेंगे। ये दूध क्यों, आप पानी भी डाल सकते थे ना। पानी भी डाले थे, दूध डाल रहे, अच्छा लगता है खाने में, कलर भी चेंज हो जाएगा पूरा एकदम ना। ऐसे बाबू देख के खाएगा ना, ऐसे नहीं खाता है। आज बटालियन चल दिया है खेत को संवारने के लिए। नहीं कुछ रुपए कितना अफसोस हो रहा है देख रहे हैं। फर भी तो नहीं रहा है, क्या अफसोस होगा। पैसे नहीं है, देखिए कितना सारा गोछा गोछा लगा ना, कैसे नहीं फर तो सब में तो लूटी लगे यार, क्या फायदा। इधर में लूटी नहीं लगा है, जिस उधर में लूटी लगा है। अरे हाँ इसमें लूटी नहीं लगा है, सही बात बोल रहे हैं, कहीं भी लूटी नहीं ना, तो उसमें लूटी क्यों लग रहा है। नहीं हमको लग रहा है ना कि वहाँ पर छांव पड़ जा रहा है, इसीलिए। या फिर ज्यादा झंझटार के वजह से ठंडा ठंडा के वजह से लग रहा होगा। छोड़ो बेटा छोड़ो मेरा कपड़ा। ये हीरो आप इधर आके फिर बदमाशी करने के लिए मुँह में गंजी लेते हैं आप। मुँह में गंजी मना की, इनको मुँह में गंजी मत लो, तब भी लेना है। नहीं खुल रहा का, दिन पर दिन सीख जाएगा। नहीं ना मारियो उसको, मारेंगे कैसे, नहीं सीखे कैसे, फिर बच्चा है फिर हम मारिएगा। हाँ मारेंगे, बिना मारने सीख भी नहीं करेगा। रस्सी को एकदम पतला पतला फा रहे हैं, क्या फायदा। सी बांधना हल्का तो कितना करना है बेटा। नहीं पापा मारेंगे, नहीं मारेंगे। आज फूल निकला हुआ है ना, अच्छा अच्छा फूल निकला हुआ है। कैसे बांधना है आम को, आम में ये आम उसी में कहे बांध रहे हो। नहीं नहीं वैसे मत करो, फिर अड़हुल का फूल को एक में बांध दो, आम को साइड कर दो। नहीं तीनों एक में बांध दे, कहे ला उसे, फिर घबरा जाएगा। नहीं नहीं रुको यार, हो गया। फूल को ही बांध रहे हैं, ज्यादा टाइट नहीं बांध सकते ना, थोड़ा सा नहीं ऊपर फैलेगा ना। तो ये अब अलग हो गया। हाँ अब क्या करना है ना कि आम जो झंझटार हो रहा है ना, बेकार आम को कबाड़ दे क्या, कहला कबाड़िएगा। नहीं नहीं बांधिए ना, दोनों को बांधिए एक साथ में सटा के। हाँ दोनों आम को, हाँ उसको दोनों को। नहीं यार 50 आम लाके क्या करना है, रुकिए ना थोड़ा बड़ा होने दीजिए ना, कुछ काम ही देगा, पूजा पाठ में काम देता है। लीजिए बहुत सारा पूजा पाठ भी द्वारा। नहीं नहीं लीजिए ना, लीजिए तीनों लीजिए ना, ऐसे बांधिए ना ऐसे करके। हाँ बांधिए, उधर छोटा रस्सी दिए हैं, दिए छोटा रस्सी पीछे होगा। नहीं छोटा रस्सी बांध दिए ना, एक और दिए थे, एक और है देखिए। तुम सब बड़ा है पापा, पेड़ अलग अलग रखिएगा। इनको बोलिए क्या तो ये करेंगे क्या, इसलिए कोई फायदा नहीं इनको बोल के, इसलिए हम अकेले फिर जाते हैं करने के लिए। सही करते हैं ना जी? नहीं तो काची सही करते हैं। कुछ भी कीजिएगा तो तुरंत बोलते हैं क्या सही करती है। इसे भी करना है, ये बांध दीजिए, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, खाली आम पचास छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। इसको पत्ते नीचे तोड़ते हैं, कहीं तोड़ दिए जी, क्या करोगे इसको यार है? सब खाली झंझटा रखना है घर में। देखिए तुम्हारा घर कितना लकी पति चढ़ रहा है, बर्बाद हो रहा है। हाँ बड़का बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे चढ़ेगा इसके ऊपर। इसको जो है ना अच्छा से बांधना पड़ेगा, रस्सी तो है ही पूरा। एक काम करते ना, तुलसी जी और फूल एक साथ क्या बोलते, अच्छा कर दीजिए, देखिए करके हो जाता तो बढ़िया है। जानते हैं दोस्तों ये तुलसी जी का जो पौधा है, ये हम लोग कब लगाए थे, मम्मी लाए गई थी ना जी फर्स्ट टाइम, जब माँ घर का गृह प्रवेश किए थे ना उस टाइम मम्मी लगाए थे। और ये कितना बड़ा बड़ा हो गया है, और ये फूल तो हम लोग पहले जहाँ डेरा में रहते थे ना वहाँ से लेकर आए थे। तुलसी जी का हटा दीजिए, हटा दीजिए।
और इसलिए इसको हटाना पड़ रहा है ना, रीजन है। अगर नहीं हटाएंगे ना तो ये जो हमारा लतर देख रहे हैं अपना, ये लतर हमारा और अभी देखिए फलना शुरू हो गया है, फिर ये फलेगा नहीं। और ये ऊपर में भी चढ़ रहा है, इधर भी फुलाना शुरू हो गया। काटना पड़ेगा इसको, झंडा है वहीं पर रख दीजिए किनारे। बोला मैंने कब वाला काटना पड़ेगा, चक्कू है देखिए वहां रखे। और इतना घर में हरियाली होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और फूल के लिए हम लोग बाहर से खरीदना पड़ता था ना जी, जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो खरीदते थे, और जब घर पे लगा लिए थे देखिए कितना अच्छा बगीचा सा दिख रहा है। और ये सदाबहार जो फूल है ना, ये सालों पर फूल आता है जी, पता है कि नहीं आपको? पता है हमको, आपको ये लगाना जी। गेंद कहाँ खो जाते, गेंद यहाँ फेंके हुए। अभी अंदर चले गए, देखते दौड़ के आते। दोस्तों ये जो था ना तुलसी जी, एक तरफ कर दिए बांध कर, और ये फूल इसको बांध के यहाँ से झंडा बांध देंगे, और ये स्पेशल झंडा में बांध दिए। यहाँ पे हमारा दो अमरूद है, जो बड़ा हो जाएगा इसको राहत मिलेगा थोड़ा। रूबी का काम खत्म हो गया, आ गए बाबू के पास इनको खिलाने के लिए। अब क्या जी क्या हो रहा है इधर? चल रहा है, खा रहे हैं कि बस चल रहा है? चल रहा है, छोटी सी पार्टी हो रही है। छोटी सी पार्टी हो रही है, बड़ा पार्टी कब देंगे? नहीं देंगे पापा, बड़ा होंगे तो बड़ी सी पार्टी देंगे ना गोलू। हाँ बेटा, हाँ चलो फिर फटाक से आप भी ब्रश करो, नहाओ धोओ खाओ, हम भी जा रहे हैं। जाइए नहाइए फटाफट से। अरे पानी पटाना था जी, पटा दीजिए, अभी सुबह से पटा देंगे, ठीक रहेगा ना? हाँ पटा दीजिए। अरे इसी मुझे मुझे ऐसे काट के रखे हैं, लगा आज रेसिपी बना रहे का? रेसिपी नहीं बना रहे, इसका भुजिया बना रहे हैं। और ये आलू? आलू है, खीरा है, लहसुन है, अभी डाल रहे हैं, खिचड़ी बनाने जा रहे हैं क्योंकि आज दिन है शनिवार, और आज दिन खिचड़ी खाना चाहिए ना, तो इसलिए। और बाबू भी घर पे उस खिचड़ी बहुत उसको पसंद है, सोच रहे सब मेरे हम डाल के बनाते हैं, इसमें सोया बड़ी भी डाल देंगे अच्छा लगेगा। और ये बना रहे हैं ग्रीन चिल्ली, इसको बनाने जा रहे हैं हम लोग भुजिया, क्योंकि आप तो उस दिन खाए नहीं थे, उस दिन हम बनाए थे तो फास्टिंग था आपका, सोच रहे हैं कि थोड़ा बचा तो आपके लिए भून दे रहे हैं, अच्छा रहेगा, खिचड़ी चोखा और भुजिया हो जाएगा, ठीक है ना? और हम बस अभी नहाए भी नहीं है, उनको जाना भाभी के लिए, भाभी सब आ रहे हैं, भैया बोल रहे हैं हाँ जब फटाफट नहा कर निकलेंगे। दोस्तों आ गए हम लोग पिस्कर नगर रेलवे स्टेशन पर, और शायद दोनों प्लेटफॉर्म इधर साइड में गाड़ी आ गई। दोस्तों आ गई ट्रेन, और ये देखिए एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस है ये, और साथ साथ से चलती है, रांची तक जाएगा। और हम लोग दौड़ के जाना पड़ रहा है, वो आगे में बैठे हुए हैं और हम लोग इधर वेट कर रहे हैं। अच्छा चलिए आने दीजिए, नहीं ज़्यादा रुकता है क्या? तो रुकता नहीं ज़्यादा, इसका स्टॉपेज बहुत कम है, अभी तो उसे निकल जाएगा। अरे अरे इसका चेहरा तो बारा बज गया जी, चलिए हो जाएगी मुझे घर। बहुत कम समय के लिए यहाँ पर रुकता है, आपको पता भी नहीं था। बोला ना कि ज़्यादा यहाँ नहीं रुकता है, रेलवे स्टेशन आगे इसके रांची है। हाँ तो ये देखिए अभी रूबी जो है तैयार हो रहे हैं, काजी एकदम हरियर हरी चूड़ी पहन रहे की लाल लाल, हरियर नहीं पहन रहे, सोच रहे नहीं चूड़ी बहुत दिन से पहन रहे थे ना, मन नहीं कर रहा पहनने के लिए, जिसको नहीं पहनना अब नहीं। तो मेरे बस लाल बहुत सारा चूड़ी हो गई है। ओ, तो पहन लो, कोई क्या दिक्कत है, देख रहे हैं कौन सा पहन गिन गिन के ठीक, पतला पतला ही है लेकिन नहीं बना हुआ ऐसा, हाँ ऐसा डिजाइन ही बना हुआ इसका। और इधर साइड में हमारे डोगू साहब क्या कर रहे हैं, तकिया को यहाँ फेंके हुए हैं और कुर्सी कुर्सी इधर खेल रहे हैं, और इधर देखिए क्या है, हलवा बना दिए, अभी कुर्सी को पटकेंगे इसके ऊपर खेलेंगे। टाइम भी बहुत कम है, और हमें पूजा की तैयारी भी करनी है, शॉपिंग भी करना है, और शॉपिंग नहीं करेंगे तो फिर जल्दी से कहाँ से हो पाएगा। अरे हमको याद आ गया, पता है क्या, हम लोग का एनिवर्सरी बहुत नजदीक आ गया, पता है कि नहीं? हाँ मुझे पता है, टाइम है उसमें, प्लान फेल हुआ है, बस भगवान से उम्मीद करते हैं कि इस बार प्लान फेल ना हो,
वैसे सोचना भी कुछ नहीं है, पहले भी हमारा मेन फोकस होता है हमारी पूजा, जो आप सब जानते हैं। अभी बहुत नजदीक आने वाली हमारी बड़ सावित्री पूजा, उसके लिए शॉपिंग करने जाना है। अब देखते हैं पति देव जी क्या क्या हमें शॉपिंग कराते हैं। आपको जो लेना हो वही लोगों ना, हमको थोड़ी पता क्या क्या लेना है। मतलब फिर भी आप तो पॉकेट मनी हो ना, आप दीजिएगा तभी तो हम लेंगे। तो माँ बेटी की अभी तैयारियाँ नहीं हुई क्या? नहीं, मेरा बेटी तो रेडी हो रहा है ना। अरे वाह, ये वाला तो ओ माँ बेटे दोनों का मैचिंग मशीन चल रहा है। कोई दिक्कत है काम? नहीं, वही बोल रहे हैं दोनों का मैचिंग मशीन है ना। अरे कुछ बोल रहे हम जी। क्या पर्स ले लें आप? लेके बैग अपना। पर्स मत लो, मैं ले लूंगा बैग। पानी बोतल लेना होगा, वो डब्बा डाल दिए पानी वाला। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग तैयार होकर इतना कहाँ जा रहे हैं, और अभी साड़ी पहनकर, जल्दी साड़ी पहनते नहीं है क्या? पुराना सूट पहनते ना तो थोड़ा बेबी बम्प दिखना शुरू हो जाता है। और साड़ी में ऐसे ना क्या, ऐसे चलोगे तो उतना पता नहीं चलता है, इसीलिए। लेकिन इनका लुक जो है ना साड़ी में अच्छा लगता है, ये देखो। और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी बोल रहे थे कि आप साड़ी में अच्छे लगते हैं, साड़ी पहना कीजिए। तो अभी कम्फर्टेबल लग रहा है साड़ी, इसलिए हम पहन ले रहे हैं। क्या कर रहे बेटा आप? और हमको लगता है कुछ महीने के बाद ये भी आप नहीं पहन पाओगे, शायद जा भी नहीं पाएंगे बाहर ना। जो भी करना हो शॉपिंग, जो भी एक दो मंथ के अंदर कर लेते हैं, कि पता चला कि कुछ बोलना होगा, कुछ देना होगा तो फोटो क्लिक करना होगा, फिर आपको भेजना होगा आप इस तरह से खरीद दीजिएगा, ऐसा ना दीजिएगा। खैर ऐसे नवो तो नहीं बनेगी, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग तो हर जगह उपलब्ध है। तो सोच रहे ना कि आज जाकर अपने लिए कुछ साड़ी खरीदते हैं, क्योंकि पूजा नजदीक आ रहा है और बड़ सावित्री पूजा जानते हैं कितना बड़ा महत्व है। और इस पूजा को हम रखेंगे, अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं क्योंकि कभी भी डॉक्टर मना करते हैं फास्टिंग करने के लिए, लेकिन अभी जा रहे हैं लेने, देखते हैं क्या अच्छा मिलता है कि नहीं। ज्यादा कॉस्टली तो दे नहीं पाएंगे, है ना जी। और इसके पिछला साल भी जब था बड़ सावित्री पूजा ना, तो हमने इनका एक साड़ी खरीदा था, और साथ में देखे होंगे नेकलेस भी दिए थे, बहुत सुंदर था। इस बार क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस बार ना साथ साथ में हो रहा है सब चीज हम लोग के साथ। हमारी शादी का सालगिरह भी आने वाला है, और अभी बड़ सावित्री पूजा भी आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। लेकिन कन्फर्म नहीं बताएंगे कब हमारी शादी का सालगिरह है, वो आपको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। और हम इनके लिए कुछ अच्छा सरप्राइज सोचे हैं। हाँ यार, दिए दे हो? नहीं नहीं, आज तक हमको दिए हो? नहीं नहीं, इस बार क्या नहीं दिए, बहुत कुछ दे दिए हैं। कुछ नहीं मिला हमको दोस्तों, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं मिला ना, इस बार आपको हम धमाकेदार चीज देने वाले, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, हम बहुत पहले से मायने बनाकर रखे थे कि हर साल तो ये मुझे देते हैं, लेकिन इस बार हम इनको देंगे। और वो क्या है वो तो आपको मिल जाएगा ब्लॉग में देखने के लिए, क्योंकि हर वो चीज में शेयर करते हैं, छोटी खुशियां हो, दुख हो, गम हो, जो भी हो। और कल मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, कारण था मेरा बीपी लो हो गया था, और डॉक्टर ने बोला है खाने को ध्यान दीजिए, और इसलिए बहुत केयर भी कर रहे हैं मेरा। तब पर मुझे ठीक तो होना ही था, और टाइम बहुत कम है, क्योंकि साड़ी वगैरह खरीदेंगे, ब्लाउज वगैरह फिटिंग सब करवाना होगा, इसलिए पहले वही करवाना कि घर पे आके, नहीं मतलब घर पे आके तो टाइम लगेगा ना, इसलिए हम लोग को जाना। आपका चप्पल फेंकाया? नहीं बेटा, चप्पल नहीं फेंकी। इनका काम ही है सब काम बिगाड़ने वाला। डर लगता है यार, हम लेके जा रहे हैं रोड पे दौड़ने लगेगी, इतना पहले चंचल हो गए ना, जाते हैं दौड़। चंचल नहीं, बदमाश हो गए यार, चंचल ही समझ। कुछ नहीं, बदमाश हो गए, चंचल ऐसा नहीं, ऐसी हो। देखिए देखिए, और ये देखिए, ये कहाँ घुसा यार, कहाँ होगा, गिरेगा तो? ये छोटा वाला चेयर को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे, पता है मेरा ये जूता ही है ना, ये तकिया आजकल दिन ना सीख लिया है, इतना बदमाश है ना। लेके गोदी में खूब ऐसे मस्ती से बैठे रहते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें लिखा हुआ था एल ओ वी लव, ये मुझे गिफ्ट किए थे, लेकिन वो अब खत्म हो गया, वो था फर्स्ट एनिवर्सरी में। हाँ मुझे मिला था। और चलिए हीरो, चलना है, हेलमेट अपना निकाली, मेरा हेलमेट, आपका हेलमेट गाड़ी में? अच्छा हाँ, गाड़ी में। सुबह गए थे ना? कुछ अच्छा लग रहा है ना? देख ली, जो आपको अच्छा लगता है उसको ही लीजिएगा ना। बहुत भीड़ है यहाँ पे, अभी लगन चल रहा है ना, लगन चल रहा है ना। हम इधर आ चुके हैं, उधर पसंद नहीं पड़ा हम लोग को ना। देखिए उधर जस्ता है कि नहीं। हाँ इधर देखते हैं, इधर आए हुए हैं हम,
पिछले बार में यही ले गया था इस साइड से ना, और अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है और कस्टमर इतने सारे हैं कि कहना नहीं है, बहुत ठंडा भी हो रहा है। तो ये फाइनली देखते हैं यहाँ पसंद पड़ जाए। अटो को जमाई लिए जा रहे हैं, साड़ी का बहुत वैरायटी है ना। हाँ, ये कॉस्टली भी है यहाँ पे, बट कॉस्टली से यहाँ मतलब नहीं है, पहले ही बोल चुके हैं आपको जो पसंद आएगा वो लेना है। बस देखते हैं क्या प्रॉफिट कितना खर्चा होता है क्या। बस देखो तो मिले तो बस आप सब भी देखते रहिए। पानी पिला दिए दीपन को इसमें जैसा पहने हुए ना अलग तो होना चाहिए कुछ। ये देखिए कुछ ज्यादा ही वर्क है, यही वाला था। हाँ कुछ ज्यादा ही इसमें वर्क है लेकिन हाँ ये हल्का वर्क मिला है। ये देखिए भैया डर रहे हैं कि फोटो तो नहीं ना ले रहे हैं, भैया जानते हैं हम लोगों नहीं तो मतलब फोटो ले रहे हैं। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं है, मतलब होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। अगले बताइए कौन सा कलर बहुत बड़ा है ना, ये सबसे अलग है यार, ले लो चमक रहा पता है सितारे मोती। और रेस्टोरेंट में एक चेक करा देंगे तो नजर में लेके जाइए, अगर सेम चीज में लेकर चली जाए एक्सचेंज कर देंगे। ये वाला कुछ नहीं है ना, अलग कलर दिख रहा सबसे यूनिक है। हाँ नहीं लगा अलग कलर दिखा है, ये भी तो सेम साड़ी है ना, कलर अलग है। तो फिर देख लो आपको जो अच्छा लगे। हो गया इनकी शॉपिंग और बहुत खोजने के बाद इनको पसंद आया, बार बार ये ले वो ले यहाँ वहाँ नहीं मतलब वैरायटी देखा तो बदले से कौन ले कौन नहीं ले और है ना ऐसा थोड़ी है। तो आज बहुत मुश्किल से साड़ी पसंद आया है, कैसा पसंद आया नहीं तो? यहाँ पे तो पसंद हमेशा आ ही जाता है जब भी हम आते चाहिए। आज नहीं पसंद आया था, आज नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से पसंद आया है देखो, जैसा खोज मिल नहीं रहा था। लास्ट में एक बार में मतलब किसी और को दिखा रहे थे हम अचानक ही देखे तो हमको पसंद पड़ी, मुझे नहीं ये अच्छा लग रहा है। चल पीर का चप्पल भी लेना ना। हाँ बैग बड़ा नहीं।